ट्वेल्थ बिहार बोर्ड 2022 के लिए आज हम लोग सीखते हैं एक शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन ये गारंटेड होगा। ये क्वेश्चन है वेक्टर्स, जो अक्सर हाँ पूछा जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, करना कुछ नहीं है, बस एक फॉर्मूला याद रखना है, थोड़ा सा प्रोसेस याद रखना है और कैलकुलेशन याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यानी ए का प्रोजेक्शन बी पर। तो आप याद रखेंगे फॉर्मूला ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। अगर यही सवाल रहता प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, बी ऑन ए, तो ए डॉट बी बटा ए का मैग्नीट्यूड हो जाए, जिस पर प्रोजेक्शन उसका मैग्नीट्यूड नीचे में हो जाए। अब ए डॉट बी कैसे निकालेंगे, तो इसका भी रिजल्ट ध्यान देना। मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए बराबर है ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, और एक दूसरा वेक्टर है बी बराबर ए टू आई प्लस बी टू जे प्लस सी टू के। तो ए डॉट बी कैसे निकालेंगे आप, बस ध्यान दे दीजिए एक बार। कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट के प्रोडक्ट का जोड़ यानी सम, तो i का कंपोनेंट ए वन, i का कंपोनेंट ए टू, तो ए वन गुना ए टू, तो ये हो जाएगा ए वन गुना ए टू जो बी वन गुना बी टू, मतलब j के कंपोनेंट का प्रोडक्ट, और जो k के कंपोनेंट का प्रोडक्ट, ये हो गया ए डॉट बी, ए डॉट बी। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर है ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर जोड़ जेड स्क्वायर। अब इस दोनों को यूज करते हुए, इस फॉर्मूला को यूज करते हुए एक सवाल बनाएंगे। अब देखते हैं, अभी हमने थ्योरी पढ़ा कि ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट बी बटा बी का मैग्नीट्यूड। यहां पर कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर दिस ऑन दिस, यानी इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पर निकालना। तो इसको मान लेते हैं हम ए, ए बराबर मान लिया आई माइनस टू जे प्लस थ्री के, और इसको मान लेते हैं वेक्टर बी, ये हो जाएगा थ्री आई माइनस टू जे प्लस के। तो अब क्या हो गया, सवाल पढ़िए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, क्या हुआ, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी बराबर होगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई बी का मैग्नीट्यूड। अब डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, अभी यहां बताया हुआ कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का प्रोडक्ट का जोड़, तो ए डॉट बी, देखिए आई का कंपोनेंट वन, आई का कंपोनेंट थ्री, तो वन गुना थ्री यानी थ्री। फिर देखिए माइनस टू जे का कंपोनेंट, यहां भी माइनस टू जे का कंपोनेंट, तो माइनस टू गुने माइनस टू यानी प्लस फोर। यहां के का कंपोनेंट थ्री, यहां के का कंपोनेंट वन, थ्री इंटू वन यानी थ्री। अच्छा वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, यहाँ फॉर्मूला कोई एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तो एक्स का स्क्वायर जोड़ वाई का स्क्वायर जोड़ जेड का स्क्वायर, तो यहाँ बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो तीन का स्क्वायर नौ माइनस दो का स्क्वायर चार, वन का स्क्वायर वन, तो ये हो जाएगा चार तीन सात तीन दस, नौ चार तेरह एक चौदह,
√14 10 बाई अंडर रूट 14 ये आंसर हो गया। इस टाइप का एक सवाल ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और एक शॉर्ट में भी रहेगा, यानी यहाँ से आप 3 मार्क्स ला सकते हैं सीबीएसई में भी, बिहार बोर्ड में।